हाइपरपिगमेंटेड पैचेस सर पे थे, फेस पे थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन, लैक्स मसल्स, हॉट बेली, आंखों के अराउंड गड्ढे थे इसके बहुत ज्यादा, ऐसा लगता था आंखें धसी हुई है इसकी, बहुत ज्यादा मोल्स स्किन टैग बॉडी के ऊपर, बहुत ही अनकेम्प्ड लुक, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, इसकी आंख ऐसे लगता है जॉन्डिस्ट है ये बंदा, फ्रंटल बॉल्डनेस, और इसकी इससे सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, इसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थी. So, patient as a person gets offended easily, lacks confidence, submissive. इससे जो सवाल आप पूछते थे, मुझे आज भी याद है, इसकी बीवी आगे आके पहले जवाब देती थी और ये सिर्फ गर्दन हिलाता था. Sexual desire increased, feels insulted when people contradict him, but does not retaliate. Worried about his disease. इंडोलेंट, कुछ काम धंधा करने का इसका मन नहीं करता था. ये सड़क पे अपने ठेला लगाता था और इसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी. एपेटाइट बड़ी भी थी, हंग्री सून आफ्टर ईटिंग, डिजायर सॉल्टी स्पाइसी, थर्स्ट, इसको रूम टेम्परेचर पानी पसंद था, टीथ सेंसिटिविटी होती थी, फोरहेड पाम्स और सोल्स पे पसीना बहुत ज्यादा आता था, कॉन्स्टिपेशन, डार्क यूरिन, सारे सिम्टम्स More towards jaundice point कर रहे थे, आँख का भी पीलापन है, यूरिन का भी पीलापन है. So, dreams of running, falling and people attacking him, of elephants. जब इंसान consciously retaliate नहीं करता ना और oppress होता है तब उसे ऐसे dreams आते हैं. Averse to extremes of temperature and tongue was fissured. ये पेशेंट ने बताया कि इसको शराब पीने की बहुत आदत थी. इसके पूरे खानदान में सिरोसिस से 3 डेथ्स हो चुकी थी. प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज ऑफ दिस कंप्लेंट द डॉटर वाज मैरिड. ही हैड टू लीव हिज हाउस एट दैट टाइम फॉर सम रीजन व्हिच ही डिड नॉट डिस्क्लोज टू मी. क्लोज्ड अप पर्सनैलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे. क्या डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर और वकील के सामने कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बट आजकल वो भी नहीं होता. However, when I asked about the effect of the whole scenario on him, he said he felt angry and insulted. इसको इतने time तक insomnia हुआ कि इसको शराब पीनी पड़ती थी ताकि इसको नींद आ जाए. एक और चीज जो मैंने उस time मेरे दिमाग में strike करी कि ये जो street vendors होते हैं ना, they have a very easy access to prostitutes. तो इस केस में मैंने इंक्वायर किया और पता चला कि इसके केस में एक आउटसाइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी जिसके जस्ट बाद इसको विटिलिगो डेवलप हुआ. सो अगेन एफोरिज्म 5, जहां वो ऑक्यूपेशन की बात करता है, एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, पेशेंट का स्टेटस देख के भी पेशेंट से क्या सवाल पूछने निकाल. पहली दवाई जो इस केस में हमने दी वो थी सिफिलिनम, LM4 तक चली. आउटसाइड कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म है, क्रेविंग फॉर अल्कोहल है, फिशर्ड टंग है, अगेन क्रैक्स इज सिफिलिटिक, ऑफेंसिव फ्रंटल बॉल्डनेस, फ्रंटल बॉसिंग इज अ साइन ऑफ सिफिलिस, ऑब्सेसिव डिजायर फॉर क्लीनलीनेस, कुछ भी अगर लिमिट्स के बाहर आ रहा है ना, जो जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है, तो वो सिफिलिटिक. आइलैंड्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई थी जो कि LM4 दवाई देने के बाद, रिपीट करने के बाद, कब बदलने के बाद, फ्रीक्वेंसी बदलने के बाद, वो वहीं पे आके रुक गया. So, case was taken again, and on account of the stasis which had come, it was discovered that the patient had recently visited his village, where he had to move around with a cloth covering his face so that nobody notices his complaints. As it was considered a sign of a sin. तूने जरूर कोई पाप किया होगा तभी तेरे को बीमारी चढ़ी है, ऐसा बोला जाता उसको. उस बंदे ने वो गांव छोड़ दिया और वो वापस दिल्ली आ गया. कहता है मेरे से वो बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा पर वहां बेइज्जत नहीं घूम सकता. इस बेसिस पे हमने स्टैफिसैग्रिया ली. अब अगेन मैं आपको वन साइडेड डिजीज पे वापस लेके जाता हूँ. उसमें बोला जाता है कि पार्शियल सिमिलिनम देने के बाद जो नया सिम्टम डेवलप होता है वो आपको पॉइंट कराता है नेक्स्ट मेडिसिन.
लेकिन जो पहले वाले सिम्टम भी होते हैं वो भी उस दवाई के अंदर मिलते हैं, इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर ऑफ स्टेफिसगेरिया. सो ये था बिफोर ट्रीटमेंट, और लास्ट जब तक मैं नेहरू में रहा वो ऐसा हो गया था. इसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, लकीली मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई. जो मेरे साथ थे उनको पता कैसे हुई. स्टेफिसगेरिया सबको पता है. स्टेफिसगेरिया का सिर्फ एक पॉइंट में यहां पे बताऊंगा कि अगर आप बोगर पढ़े ना, बोगर में एक वर्ड लिखता है स्टेफिसगेरिया के अंदर, शीपिश मेमना. बीबी आके बोल रही है, चुपचाप खड़ा हुआ है. इतना मॉडेस्ट होगा, इतना आपकी जी हजूरी करेगा, क्योंकि उसे डर किस चीज का है? इल्विल फ्रॉम रेप्रिमांड. That is why वो false modesty दिखाएगा. That is why वो आपकी हर बात मानेगा स्टेफिसगेरिया. And दूसरी चीज आपको स्टेफिसगेरिया के अंदर बहुत मिलेगा, इसके अंदर एक अलग ही इसको लगता है कि मैं बहुत ही honorable हूँ. प्लेटिना की तरह ये कास्ट भी नहीं करेगा, बट इसको लगता है यार मैं इतना इज्जतदार आदमी हूँ, मैं नोबल साधु किस्म का बंदा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी हूँ, मैं कैसे किसी की बकवास, ठीक है यार तुमने बोल दिया जा. इतना अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा मेहनत करता है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू प्लीज ऑल द पीपल जिस पे वो डिपेंडेंट है. जैसे कि बच्चा बीमार होगा, हाई फीवर के अंदर भी किताब खोल के बैठा होगा, मेरे मम्मी पापा को मैं दुखी नहीं कर सकता बिकॉज एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमांड. ऐसी एक और दवाई आती है जो कि है कार्सिनोसिन. दोनों में एक बहुत बेसिक फर्क है. अभी रिसेंटली एक केस कुवैत से केस था, इट वाज ऑफ ओवेरियन सिस्ट. इट टुक मी 45 मिनट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्सिनोसिन एंड स्टेफिसगेरिया. दैट कार्सिनोसिन में क्या है, कार्सिनोसिन इज कंट्रोल्ड, इट इज मोल्डेड बाय अनदर पर्सन. स्टेफिसगेरिया इज इंसल्टेड बाय दैट पर्सन. मां बाप पढ़ ले, तूने आईएएस ऑफिसर बनना है, बच्चे पे प्रेशर आ गया, दिस इज कार्सिनोसिन. माँ बाप तेरे बस का नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तूने आईएएस की पढ़ाई करनी थी, तू कुछ नहीं कर सकता. अगर पहले केस में एलिमेंट आए इनको कार्सिनोसिन, दूसरे केस में एलिमेंट आए इनको स्टेफिसगेरिया.